Hello students, I am Renu and welcome to my channel Shortened Classes with Renu. Students, आज मैं आपको shortened basic पढ़ाने जा रही हूँ, but इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि stenography या shortened क्या होता है. Students, shortened एक different type की language होती है, जिसके medium से हम कम समय में ज्यादा matter को लिख सकते हैं. For example, अगर हम English में लिखते हैं I am happy, तो इसी को हम शॉर्टहैंड में कैसे लिखेंगे? That's all. और अगर हम लिखते हैं यू शुड बी, तो इसको हम शॉर्टहैंड में लिखेंगे That's all. तो आपने देखा कि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमें ज्यादा स्पेस और ज्यादा टाइम लगता है, बट अगर हम शॉर्टहैंड में लिखेंगे तो स्पेस भी कम होता है और टाइम भी हमें कम लगता है. इसी को हम शॉर्टहैंड बोलते हैं. स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि स्टेनोग्राफी के लिए हमें हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि स्टेनोग्राफी के लिए आपका 12th पास होना कंपलसरी है, वो भी किसी भी स्ट्रीम में, कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज में. कोई भी स्टूडेंट इसे इजीली कर सकता है. यूजुअली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि इसकी वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर निकलती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकलती हैं. फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीआरपीएफ, डिफेंस या प्राइवेट सेक्टर में. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शॉर्ट एंड बेसिक पढ़ाने जा रही हूँ, बट इससे पहले मैं आपको इसकी बुक के बारे में बताऊँ. पिटमैन की न्यू एरा की न्यू कोर्स बुक है, जो कि आप स्टेशनरी से परचेज कर सकते हैं या फिर गूगल से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. मैं आपको इसी बुक से पढ़ाऊंगी. जिस तरह इंग्लिश में हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं, इसी तरह शॉर्टहैंड में हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और इसमें हमारे 12 वोवेल्स होते हैं. इन्हें हम स्लोक्स भी कहते हैं और इसमें हमारे 12 वोवेल्स होते हैं. साउंड्स, जो इंग्लिश के हमारे 5 वोवेल्स हैं, उन्हीं 5 वोवेल्स को हमने इन 12 वोवेल्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. और अभी मैं आपको इन 24 कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से ये होते हैं. सबसे पहले आपको मिलेंगे डाउनवर्ड स्लोक्स. इन्हें हम डाउनवर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मींस नीचे की तरफ. और स्ट्रोक्स आपको मिलेंगे पी, बी, टी, डी, च और जे. नेक्स्ट है अपवर्ड स्ट्रोक्स. इन्हें हम अपवर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे. और स्ट्रोक्स हमें मिलेंगे डब्ल्यू, Y, H, L और R. इनमें से H और R के जो दो स्ट्रोक हैं, इनको हम डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों फॉर्म्स में यूज करेंगे. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स. इन्हें हम ऑन द लाइन बनाते हैं और स्ट्रोक्स हमें मिलेंगे K, G, M, N और NG. एंड लास्ट कर्व स्ट्रोक्स. ये कर्व्स बनाएंगे और स्ट्रोक्स मिलेंगे F, V, Th, Da, S, Z, SH एंड ZH. ये हमारे टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स हैं या स्ट्रोक्स बोलेंगे हम इन्हें. और अब मैं आपको बताऊंगी कि इन स्ट्रोक्स को हमने कैसे बनाना है, इनकी हमें आउटलाइंस कैसे बनानी है. मैं आपको बता दूं कि शॉर्टहैंड हमको सिर्फ पेंसिल से ही करनी है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक्स. डाउनवर्ड में फर्स्ट है हमारा पी. पी को हम बनाएंगे लाइट और इसे हमने डाउनवर्ड फॉर्म में बनाना है. इस तरह से पूरे स्ट्रोक को हमने लाइन को टच करना है, लाइन से ऊपर या लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए.
और स्ट्रोक बनेगा आपका लाइट। मीन्स पेंसिल को आपने हल्के पकड़ना है। और नेक्स्ट है हमारा बी। बी को हम बनाएंगे सेम पी की तरह ही बनाएंगे, बट इसे हमने डार्क बनाना है। पी लाइट रहेगा और बी हमारा डार्क रहेगा। नेक्स्ट है टी। टी को हम बनाएंगे लाइट और स्ट्रेट इस तरह से। एंड नेक्स्ट इज डी। डी हमारा बनेगा डार्क। ये सेम टी की तरह ही बनेगा बट ये डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट इज च। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं चे। चे मीन जैसे चेक, चेंज, इसी तरह से हमने इसको चे को यूज करना है। और इसे बनाएंगे हम लाइट। और नेक्स्ट है हमारा जे। जे को हम बनाते हैं डार्क। सेम जे की तरह बनेगा ये बट ये डार्क हो जाएगा। तो पी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, टी डार्क, जे लाइट एंड जे डार्क। ये है हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। इसके बाद आते हैं हमारे अपवर्ड स्ट्रोक्स। इसे हम अपवर्ड फॉर्म में लिखेंगे ऊपर की तरफ, और ये डाउनवर्ड स्ट्रोक थे, इनको हमने नीचे की तरफ लाना है जिस तरह से ये आपका एरो आ रहा है। अपवर्ड के सारे स्ट्रोक हमारे लाइट बनेंगे। इसमें हमारा कोई भी स्ट्रोक डार्क नहीं है, सारे स्ट्रोक लाइट बनेंगे। फर्स्ट है इसमें डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम प्रोनाउंस करेंगे वे। और इसके लिए हमने यूज करनी है एक स्मॉल इनिशियल हुक, इस तरह की हुक। जहां से स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है हमने एक स्मॉल हुक बनानी है, अपर फॉर्म में बनाना है इसको। एंड नेक्स्ट है हमारा वाई। इसे हम बोलेंगे ये। इसमें भी हमारी स्मॉल इनिशियल हुक बनेगी बट इसमें हमारी हुक बनती है ऑपोजिट साइड, वे के ऑपोजिट साइड। और नेक्स्ट है एच। मैंने आपको बताया था कि एच की और आर की दो फॉर्म्स होती हैं, तो ये एच है। एच को हम प्रोनाउंस करेंगे हे। और पहले है इसकी ये अपवर्ड फॉर्म। इसमें हमने एक स्मॉल सर्कल बनाना है और ये अपवर्ड फॉर्म में बनेगा इस तरह से। एंड ये है हे की डाउनवर्ड फॉर्म। इसमें हमारा सर्कल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस तरह से। दोनों को हमने हे प्रोनाउंस करना है। और नेक्स्ट है आर। आर की भी दो फॉर्म्स होती हैं। इसकी जो अपर फॉर्म है इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रे। ये अपर फॉर्म है, रे प्रोनाउंस करेंगे इसे हम इस तरह से। और इसके डाउनवर्ड फॉर्म को हमने आर ही प्रोनाउंस करना है। ये डाउनवर्ड है। ये हमने किस तरह से बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा एक सर्कल है। सर्कल का ये हमारा 1/4 पार्ट जो है तो डाउनवर्ड फॉर्म में आ रहा है इस तरह से। इसे हमने इस डाउनवर्ड आर्क के लिए यूज करना है। और नेक्स्ट है हमारा एल। एल के लिए यूज करना है हमने ये अपवर्ड फॉर्म। ये हमने कैसे बनाया है, हमारे सर्कल का ये वाला पार्ट 1/4 जो अपवर्ड फॉर्म में आ रहा है इसे हमने एल के लिए यूज करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपने इसे अपवर्ड फॉर्म में ही बनाना है, इस तरह से जैसे एरो जा रहा है आप इसे ऐसे नहीं लाएंगे। दिखने में दोनों सेम है बट ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों में से कोई सा भी कभी भी बना लेते हैं कि पता नहीं चलेगा, बट जब हम ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगी। तो इसीलिए इसको हमने अपवर्ड फॉर्म में ही बनाना है। तो ये है हमारे डाउनवर्ड और ये है अपवर्ड स्ट्रोक्स। इसके बाद आते हैं हमारे हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स। तो अब है ये हमारे हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स। इन्हें हम ऑन द लाइन बनाएंगे, लाइन के ऊपर बनाना है इसे हमने। इसमें आपका फर्स्ट है केक। केक को हम बनाएंगे लाइट। अब इसमें हमें फिर लाइट और डार्क का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने बनाया लाइट इस तरह से। और नेक्स्ट है जी। इसे हम बनाएंगे डार्क। लाइन पर ही बनाना है
आपको ध्यान रखना है कि इसको डार्क बनाना है हमने एम, एम को हम लाइट बनाएंगे ऐसे। इसके बाद है नेक्स्ट एन, ये भी हमारा लाइट बनेगा। ये जिस तरह से हमने एम बनाया है इसका हमने ऑपोजिट कर देना है ऐसे। नेक्स्ट इज एन जी, एन जी मीन्स इंक, इसे हम बनाएंगे डार्क। जिस तरह से हमने एन बनाया है इसको हमने डार्क कर देना है। एन हमारा लाइट है और एन जी हमारा डार्क होगा। तो ये पांच है हमारे हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स, और फिर है हमारे कर्व स्ट्रोक्स लास्ट। ये स्ट्रोक्स कर्व बनाएंगे जिसमें फर्स्ट है आपका एफ, एफ को बनाएंगे हम लाइट। अब इसमें हमें फिर लाइट और डार्क का ध्यान रखना है, किस तरह से बनाना है ऐसे। कैसे बनाया है ये हमने ये मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा सर्कल है, सर्कल का ये 1/4 पार्ट डाउनवर्ड फॉर्म का हमने यूज किया था डाउनवर्ड आर के लिए, इसे यूज किया था हमने अपवर्ड एल के लिए। अब यहां से यहां तक डाउनवर्ड फॉर्म में 1/4 पार्ट इसे हमने यूज करना है एफ के लिए। सारे स्ट्रोक्स हमारे इसी सर्कल से ही बनेंगे। नेक्स्ट है वी, वी को हम बनाएंगे डार्क, सेम एफ की तरह ही बनेगा ये, बट ये डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है टी एच, इसे हम बोलते हैं था, था थिंक थिन, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे वर्ड में। और इसे हमने बनाना है लाइट, इसे हम कैसे बनाएंगे, और ये हमने कैसे बनाया है, ये हमारा सर्कल है, देखिए सर्कल का ये वाला पार्ट इसे हमने था के लिए यूज करा है लाइट। इसके बाद है आपका द, दा से जैसे देम, देम इन वर्ड्स में यूज होगा ये, डार्क बनाएंगे सेम था की तरह। इसमें आपको लाइट और डार्क का थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एस, इसको हमने बनाना है लाइट, ये बनाएंगे ये जो था हमने बनाया है इसका एकदम ऑपोजिट कर देंगे, मीन्स ये वाला पार्ट था का ऑपोजिट और लाइट। जेड, जेड के लिए हमने यूज करना है डार्क। एस एच, एस एच मीन्स श, बनाएंगे हम लाइट, इसे बनाने इस तरह से। और ये हमने कैसे बनाया है, हमारे सर्कल का ये वाला पार्ट है ये 1/4 जो डाउनवर्ड फॉर्म में आ रहा है ये वाला लाइट। और लास्ट है हमारा जेड एच, ये बनेगा हमारा ये जेड की हैवी साउंड है, जैसे हमारा वर्ड होता है लेजर मेजर, इसमें हम इसका यूज करेंगे। ओके तो ये है हमारे 24 स्ट्रोक्स जिसमें कि एच और आर इनकी हमारी दो फॉर्म्स होती हैं। तो आपको इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन सभी स्ट्रोक्स में से आपको एक स्ट्रोक की पूरा एक पेज पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये एफ लिखा आपने, पूरे एफ को आपने पूरे एक पेज पर ही प्रैक्टिस करनी है। एफ को आपने सिर्फ एक ही बार लिखना है, इसे बार बार नहीं लिखना, आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अपना अगला वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।